बीते दो दिनों से लगातार हो रहे हमलों की वजह से हिजबुल्ला के कैंप में हड़कंप मचा है। 17 सितंबर को सीरियल पेजर धमाके और 18 सितंबर को सीरियल वॉकी टॉकी ब्लास्ट ने हिजबुल्ला के कम्युनिकेशन सेटअप को तबाह कर दिया है। उसके हजारों लड़ाके घायल हैं। दोनों हमले में लेबनान में करीब 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 3500 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्ला न सिर्फ इसराइल को हमले की धमकी दे रहा है, बल्कि वो इसराइल पर हमले भी कर रहा है। हिजबुल्ला इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है, यहाँ तक कि ड्रोन के जरिए भी विस्फोट करने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में हुए हमलों से हिजबुल्ला बौखला गया है और उसने इसराइल से सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि इसराइल का मकसद हमें रोकना है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। अब इसराइल से ये युद्ध और तेज होगा। बताया जा रहा है कि पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला ने अपने फ्रंट लाइन के सैनिकों को, यानी ऑपरेशन करने वाले लड़ाकों को, लैंडलाइन फोन और मोटरसाइकिल कुरियर पर स्विच करने का आदेश दिया है। हिजबुल्ला ने इसके साथ ही इसराइल के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया और इसराइल पर हमले भी शुरू कर दिए। इसराइली समाचार एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्ला ने किरियात शिमोना पर करीब 20 रॉकेट दागे हैं। ये लेबनान बॉर्डर पर एक इजरायली गांव है। इजरायली फोर्स के मुताबिक कुछ रॉकेटों को गिरा दिया गया, लेकिन कुछ रॉकेट टारगेट तक पहुंचने में सफल हो गए। फिलहाल इजरायल से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइलें और ड्रोन से भी हमले किए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इस हमले में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने भी हिजबुल्ला के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान भी इसराइल के खिलाफ सीधी लड़ाई में उतरेगा, क्योंकि जुलाई में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। ईरान ने तब कहा था कि वो अपनी राजधानी में हुई उस हत्या का जवाब इसराइल को देगा। हालांकि ईरान ने कोई हमला इसराइल पर नहीं किया है और अब लेबनान में ईरान के राजदूत मुजतबा अमानी भी पेजर ब्लास्ट में घायल हो गए हैं। उनकी आंख में चोट लगने की बात सामने आई है। वो फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में। ऐसे में दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। पेजर ब्लास्ट में घायल हुए ईरानी राजदूत मुजतबा अमानी का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूत ने एक चिट्ठी में कहा कि ईरान लेबनान में अपने राजदूत को निशाना बनाकर किए गए हमले पर कार्रवाई करेगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान भी इसराइल पर सीधी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि फिलहाल ईरान युद्ध से बचता ही दिख रहा है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इराक के साथ कई साल चले युद्ध में भारी नुकसान उठाया। इस जंग ने ईरान को आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह कर दिया। उस युद्ध के बाद से ईरान का सत्तारूढ़ वर्ग किसी भी कीमत पर एक और युद्ध नहीं चाहता है। इराक पर अमेरिका के आक्रमण के बाद ईरान ने अपने प्रॉक्सी पर भरोसा किया है, लेकिन अब उसे अपने अगले कदम के लिए जबरदस्त संसाधनों की जरूरत है। यही वजह है कि उसने अब तक इसराइल के उकसावे के बावजूद सीधे संघर्ष से परहेज किया है।